हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपा। मेरा चैनल का नाम है गेमिंग विद यूट्यूब। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है गेमिंग विद यूट्यूब पर। तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ 5 एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप लोगों को दैट ब्लो योर माइंड। तो ठीक है, आपका होश उड़ा देगा जो आप लगातार करते जा रहे हो। अभी भी लोग तुमको नूब बोल रहे हैं। तो ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको न्यू प्लेस से प्रो खिलाड़ी बना देगा 10 सेकंड में ही। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 ट्रिक में आता है, हमेशा हेडफोन्स का यूज़ करो। हेडफोन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमको चिकन डिनर पाने में। आप लोग बोलेंगे स्पीकर में क्या कमी है, क्योंकि स्पीकर में आपको एनिमी की कदमों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, क्योंकि एनिमीज़ की कदमों की आवाज़ यदि वो जूते ना पहने हो तो और भी नहीं सुनाई देती है स्पीकर में। तो इसीलिए आप लोग सब हेडफोन्स का इस्तेमाल करो। एक टिप है, मैं टिप एक आपको बता रहा हूँ, हमेशा हेडफोन्स का यूज़ करो। हेडफोन्स ही एक लाभदायक चीज़ है जो आपको चिकन डिनर पाने में बहुत मदद करती है। आप वो खिलाई में बनाते हैं, ऐसे ही मैं चिकन डिनर पाता हूँ ऐसे में। तो ये मेरे लिए एक अच्छा टिप था। ये आप लोग सब यूज़ करो तो एक प्यो खिलाड़ी बन जाओगे। ठीक है, नंबर 2 में आता है स्मोक ग्रेनेड। बहुत सारे लोग इसको फेंक देते हैं, बैक का लोड ज़्यादा हो जाए फेंक देते हैं। भाई आपकी अपनी गम की एमो फेंक दो, क्योंकि बहुत सारे लोग को मैं देखा हूँ गन की एमो 200-300 तक ले लेते हैं। भाई 150 तक की एमो कम है यार, अधिक है आपके लिए। ठीक है, तो स्मोक को मत फेंको। तो स्मोक को कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्मोक से धुआं निकलता है ना। यदि आपको 200 मीटर से कोई स्नाइप कर रहा है, दो जन एक स्क्वाड ही सोच लो, मैं जहाँ पे स्मोक फेंक रहा हूँ वहाँ पे कोई है अपना टीममेट नॉक्ट है, आप बीच फेंक दे फेंक दो, तो क्या हो जाएगा, स्मोक वहाँ पे, आप जानते ही स्मोक के आर पार नहीं देखा जा सकता है, आपका दो स्नाइपर्स भी नहीं देख सकता वहाँ पे। दर दर के अपने टीममेट को रिवाइव करके उस घर में किसी एक घर के पास रिवाइव है, तो रिवाइव करे किसी एक घर में। तो एक और एक्स्ट्रा ट्रिप है, ये किसी घर में रिवाइव करो। ठीक है, और स्मोक को मत फेंको। स्मोक फेंकना इतना बैग का लोड और कुछ लेना ही है, तो अपना गन की एमो थोड़ा सा फेंक दो, 30-40 तो थोड़ा सा जगह आ जाएगा। तो इतना ही, नंबर 3 में आता है हाउ टू स्वीप थ्रू स्मोक्स बट नॉट योर एनिमीज। तो क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको पहले एक घर में जाके इस बैनर में उठना है। बैनर में उठ के आपको क्रैश हो जाना है एकदम कोने में। ठीक है, तो कोने में बैठ के जब आप कोई एनिमी आएगा तो आपको देख ही सकेगा। क्या करना है, आपको एक स्मोक छोड़ना है दूर नहीं, हाथों में ही, या सोचे हाथों में तो मैं बन जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है, स्मोक ग्रेनेड से कुछ भी नहीं होता, वो स्टन ग्रेनेड से होता है और फैग ग्रेनेड से होता है। तो देखिए स्मोक पूरा हो गया, अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, देखिए मैं पूरा यहाँ पर देख सकता हूँ, पर आपका एनिमीज नहीं देख सकता। ये बहुत ही अच्छा ट्विक है, इस ट्विक को हमेशा आप लोग इस्तेमाल करो। ये मैं बहुत अच्छा ट्विक आपको बताता हूँ, ये बहुत ही अच्छा ट्विक है, तो इसको हमेशा इस्तेमाल करो। नंबर 4 ट्विक में आता है, हमेशा लेटे मत रहो सांप की तरह, क्योंकि आप हर समय सांप की तरह लेटे हो तो आपको सभी सांप बोलेंगे या नोब बोलेंगे, कोई भी एक।
मतलब क्या है, क्या है मतलब क्या है? अब चलो इसका डिस्टेंस चेक करते हैं। इसका 200 मीटर है, 200 मीटर से हम कोई मेरा 100 मीटर से है, ये कितना मीटर है, 139 मीटर है, मतलब कि 150 मीटर के आसपास ही। यहाँ पे कितना मीटर है, 109 या 150 मीटर की दूरी से कोई आपको देख ले तो क्या होगा, आप मर जाएंगे आसानी से। भाई आप बोलेंगे कि मैं घास के अंदर छुपा हूँ, मर कैसे सकता हूँ? पर नहीं, ऐसा नहीं है। घास के अंदर छुपना, आपको वो देख लगा, आपका एनिमी आपको देख लिया तो आपको घास को नहीं देख सकता। घास से इतना प्यार ही है आपको, बोर्न होकर आदत पड़ गई है, तो घुस के अंदर छुपो, ठीक है? घुस के अंदर छुपो तो बूस दिखेगा, पर आप उसको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्विक है। बूस के अंदर छुपो, ये बहुत अच्छा टिप है। इस टिप को बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, स्नैप की तरह लिख जाते हैं, तो ये इसको शेयर कर लेना गेमिंग यूट्यूब को, क्योंकि मैं ऐसे ही पबजी के रिलेटेड और गेमिंग के हर गेमिंग के रिलेटेड मैं वीडियो लाता हूँगा, और टेक के बारे में भी सर्चो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही पबजी के रिलेटेड वीडियो लाता हूँगा। बाय बाय, टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।